है और मैं 38 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में हूँ, जिसके कारण कि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और मेरा खान पान जो है प्रॉपर रह नहीं पाता था। इसी वजह से मुझे 3 साल पहले फिशर की प्रॉब्लम हो गई। मुझे पहले पता ही नहीं था कि होता क्या है। मैं लोकल कहीं दिखाया, उन्होंने कुछ दवाई दी, उससे सही हो गया, बट वो दिक्कत दोबारा थोड़े दिनों बाद मुझे होने लगी और बहुत ज्यादा मुझे पेन रहता था। तो मैं घरेलू उपचारों के या लोगों ने जो मुझे कहा उसके बेसिस पे चीजें करने लगा, बट वो थोड़े दिन सही हो जाता, थोड़े दिनों बाद वापस से वही प्रॉब्लम होने लगती। फिर मैं डॉक्टर दिनेश शाह के पास आया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और कहा कि एक बार आप लीजिए, तो उससे सही हो गया। फिर लेकिन 2-3 महीने बाद वो दिक्कत दोबारा होने लगी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया और उन्हीं मेडिसिन को बिना डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन के बार बार लेने लगा। बट फिर जब उनसे पार नहीं पड़ी और किसी भी तरीके से मुझे हेल्प नहीं हुई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा। बहुत डरा हुआ था ऑपरेशन से पहले, बट जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कुछ दर्द है। ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है और मैं बिल्कुल बाहर आ गया। मतलब जो मैं ऑपरेशन कराने से पहले जिस दर्द से जूझ रहा था, वो दर्द 50-60% तक तो ऑपरेशन कराने के इवनिंग तक ही सही हो गया। आज मुझे 8वां दिन हो चुका है और पूरी तरह से मैं पेन फ्री हूँ, बिल्कुल भी मुझे 1% दर्द नहीं है। और डॉक्टर दिनेश शाह की जो एडवाइस थी कि आप ऑपरेशन करा लें, बिल्कुल ना डरें, वो मेरे लिए बिल्कुल सही साबित हुई। और मैं सभी जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि घबराएं नहीं। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशन कराना है तो तुरंत उसको कराएं। ऑपरेशन बहुत ही छोटा है और बहुत ही सिंपल है, ब्लड लॉस भी ना के बरोबर है और आपको अगले दिन से ही तुरंत आराम मिल जाएगा। इतनी पीड़ा सहने की कहीं से आपको आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।